राणा जी। अच्छा दे। राणा जी। आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि हम अमर सिंह जी को बुलाते हैं। छिप छिप कर हमने उन्हें आपके लिए रोते हुए देखा है। उन्हें आपकी कमी बहुत खलती है और हमें भी। राणा जी, अमर सिंह को हमसे मिलने में अभी अधिक समय है। हमसे मिलने से पहले अमर सिंह जी को बहुत कार्य करने हैं। अभी उन्हें अपने अंतिम प्रयाण से पहले अपने दाजीराज के योग्य बनना है, फिर उनकी परंपरा और उपलब्धियों को उन्हें आगे तक ले जाना है। किंतु अंतिम प्रयाण का अर्थ क्या हुआ? आप और हमने मिलकर तो इस स्वप्न देखा था ना कि हम चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र करवाएंगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं? सपने सब देखते हैं राणा जी, परंतु ये हट ठीक नहीं कि वो सपने आप ही को पूरे करने हैं। कुछ सपने पूरे होते हैं और कुछ छूट जाते हैं ताकि आगे वाली पीढ़ी उन्हें पूरा कर सके। किंतु हमने तो अब तक जीवन में कुछ भी नहीं किया है, हमें बहुत कुछ करना है अभी। आपने बहुत कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि इसे देख करके मेवाड़ के बच्चे बच्चे को आप पर गर्व है, आपकी मातृभूमि को आप पर गर्व है। देशभक्ति और स्वाभिमान का उदाहरण बन चुके हैं आप राणा जी, परंतु अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी को आप ये बागडोर सौंपे ताकि देशप्रेम और स्वाभिमान की यह गौरवशाली यह राजपूती परंपरा आपके बाद भी आगे चलती रहे, ताकि आने वाले समय में समूचे मेवाड़ ही नहीं समस्त राजपूताने को आपके दिए हुए स्वतंत्रता के मंत्र को ये याद करेंगे। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे राणा जी। अच्छा क्या बात है राणा जी? शीघ्र अतिशीघ्र सभी को बुलाकर लाइए। पर बात क्या है राणा जी? हमें सबसे बात करनी है। नहीं राणा जी, आपको कुछ नहीं होगा। जाइए, बुलाकर लाइए, अधिक समय नहीं बचा है। हाँ, बुला रहे, आपको कुछ नहीं होगा। समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे, आपके वीर भीरों के शौर्य शौर्यपूर्ण बलिदानों के कारण ही आज मेवाड़ का अस्तित्व बच पाया है। आप और आपके साथियों ने हमारी बहुत सहायता की, हमसे कोई भूल हो गई तो हमें क्षमा कीजिए। बस मातृभूमि की रक्षा कीजिएगा। बाजीराज, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। बाजीराज चक्रवाणी मिश्र, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपके शब्दों में जीवित रहेंगे, अपने कामों में जीवित रहेंगे। हमारा एक सुझाव है आपको, हम चाहते हैं कि आप भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखें, जिससे कि उदयपुर का निर्माण बुद्धिजीवियों में सार्थक रहे और आने वाली पीढ़ियां उन पुस्तकों का
विद्यार्जन में लाभ उठा सके। वचन दीजिए। हम आपको वचन देते बाजराज, हम वचन देते। चुंडा बच्चे, पीढ़ियों से आपके पुरखों ने हमारे पुरखों का मार्गदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि आप अमर सिंह जी का मार्ग भी दर्शित करें, उनका ध्यान रखें, उनकी रक्षा करें। हम आपको वचन देते हैं राणा जी। हमारे भाई शक्ति सिंह बजरंग की जो जो जागीर है उन्हें सौंप दीजिए, क्योंकि हम उनके ऋणी हैं। वचन दीजिए कि आप ऐसा करेंगे। हम वचन देते हैं राणा जी। चारे जी, आज हम जो कुछ भी है, हमने जो भी शिक्षा प्राप्त की वो सब हमने आप ही से की। बचपन से लेकर अब तक आपने हमें सभी शिक्षाएं दी हैं। बस आप वचन दीजिए। आप मेवाड़ की इस धरती को छोड़कर नहीं जाएंगे। अमर सिंह जी को भी वही सारी शिक्षाएं देंगे, क्योंकि अमर सिंह को आपकी आवश्यकता है, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। हम सदैव अपने इस प्रिय शिष्य को ज्ञान देते रहे, किंतु वास्तविकता में अपना सर्वस्व लौटाने का आभास क्या होता है, इसका बोध हमें आज हो रहा है। वचन देते हम ऐसा ही करेंगे जैसे आपकी इच्छा होगी। जय मेवाड़। जय मेवाड़। आइए। हमें छोड़ के मत जाइए ना, हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। दजरथ, आपको कोई छोड़कर नहीं जा रहा है। आपके साथ आपकी मातृभूमि है ना, इसलिए आप अकेले नहीं है। ये तो वो शाश्वत संबंध है जो कभी नहीं मरते, उन्हें कभी नहीं मरना चाहिए। एक व्यक्ति का जो अपनी मातृभूमि के साथ जो संबंध होता है, उन संबंधों के जुड़े हुए जो कर्तव्यों का जो करने का प्रयास होता है, वही हमारा अस्तित्व होता है। अकेले नहीं है। वचन दीजिए हमें। वचन दीजिए कि अब कभी भी मुगलों के सामने झुकेंगे नहीं, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जी जगीरथ। आपको अपने देश की रक्षा करनी है, एक महान योद्धा बनना है, एक अच्छा शासक बनना है। जी दजरथ, हम आपको वचन देते हैं। हमें गर्व है कि हम एक राजपूत हैं।
हमें गर्व है कि हमने संपूर्ण जीवन अपने देश की रक्षा नछावर करके हुजूर, मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप का इंतकाल हो गया है। तुमने हमारी पवित्र मातृभूमि पर अपने अपवित्र पांव रखे, तुमने हमारे स्वाभिमान को ललकारा, तुमने हमारी मां के साथ परिहास करने का तो साफ साफ किया। डूब गया सूरज धरती का, स्वाभिमान की सांझ ढली, जब तक जिया लड़ा वीर तू झुका नहीं, तू रुका नहीं, तू चला गया प्रताप, तू ऐसे धरती पर सबकी आँख बही।
मोहन सिंह तो गया समझो। महाराणा प्रताप के इंतकाल की खबर के मुताबिक इस दरबार में मौजूद हमारे तमाम दरबारियों में से फकत आप ही हमें तानसेन जो हमारे जज्बात को समझ पाए। शहंशाह हिंद तक पहुंचने के इस तबील सफर में हमारा अनगिनत राजा महाराजाओं से सामना पड़ा, पर उनमें से एक भी प्रताप जैसा नहीं था। उसकी खुद एतमादी, अपने उसूलों पे एतबार, उसकी जिद, उसकी हर मुकम्मल हार के बाद एक नए मुकाबले के लिए फिर से उठ खड़े होने की उसकी जबरदस्त कुव्वत, उसकी इन्हीं खूबियों ने तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। आज हम बड़ी ईमानदारी और यकीन के साथ इस बात को तस्लीम करना चाहते हैं कि तबारी जब भी हम दोनों का जिक्र आएगा उसका औदा हमसे हमेशा सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा होगा, क्योंकि किसने कितनी बड़ी सल्तनत पे हुकूमत की है इस बात का असर नहीं पड़ता, बल्कि तबारीख इस बात का असर करता है कि किसने कितनों के दिलों पे हुकूमत की और मरने के बाद वो कितनों के दिलों में जिंदा रह पाया। और इस मामले प्रताप हमसे कहीं ज्यादा आगे रहने वाला है। राणा अमर सिंह ने मुगलों के संग कुल 17 युद्ध लड़े। दिवेर के युद्ध में राणा अमर सिंह जी ने विशेष रूप से महान शौर्य का परिचय दिया था। उन्होंने मुगलों की 50 सैन्य चौकियों पर अधिकार किया था। उनके इसी शौर्य और वीरता के लिए उनको चक्रवीर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महाराणा प्रताप के गुरु आचार्य राघवेंद्र न केवल मेवाड़ राज्य की मंत्री परिषद के प्रमुख परामर्शदाता रहे, बल्कि एक कुशल शिक्षाविद और अपनी शालीन विद्वता के चलते उन्होंने मेवाड़ में शांति के एक नए युग की सृष्टि की थी। चुंडावत जी ने अपने पुरखों की परंपरा अनुसार जीवन भर अमर सिंह की मेवाड़ राज्य संचालन और मेवाड़ राज्य प्रशासन में सहायता की। पंडित चक्रपाणी ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें 3 महत्वपूर्ण हैं: राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ। भील सरदार वीर पुंजा और उनके कबीले के वीर भीलों ने मेवाड़ की संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए बार बार मुगलों पर घातक छापामार आक्रमण किए थे। उनकी इसी निस्वार्थ देशभक्ति और निष्ठा के लिए पुंजा वीर के नाम से पहले सम्मान और आदर सहित उपनाम राणा लगाया जाता था, वीर झाला। इनकी 7 पीढ़ियों ने लगातार मेवाड़ के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। इनकी इस महान देशभक्ति और बलिदान के लिए इन्हें राजराणा की उपाधि से सम्मानित करके इनको मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंत का सम्मान दिया गया था।